हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम एक निबंध अध्ययन करेंगे, शीर्षक है होली। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज विश्व भर में जाना जाने लगा है। यह प्रमुख रूप से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। मंजीरा, ढोलक, मृदंग की ध्वनि से गूंजता, रंगों से भरा होली का त्यौहार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। मार्च का महीना जैसे होली के उत्तेजना को बढ़ा देता है। इस त्यौहार में सभी की ऊर्जा देखते बनती है, पर होली के अवसर पर सबसे अधिक खुश होते हमने बच्चों को देखा है। वह रंग बिरंगी पिचकारी को अपने सीने से लगाए सब पर रंग डालते और जोर जोर से होली है कहते पूरे मोहल्ले में भागते फिरते हैं। होली का उत्सव अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है और आसमान में बिखरे गुलाल की तरह ऊर्जा को चारों ओर बिखरे देता है। इस पर्व की खास तैयारी में भी लोगों के अंदर बहुत अधिक उत्साह को देखा जा सकता है। होली की तैयारी। होली की विशेष तैयारी में एक दिन से ज्यादा का समय लगता है। इस पर्व पर सबके घरों में अनेक पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें गुजिया, दही भल्ले, गुलाब जामुन प्रमुख हैं। लोग महीनों पहले से अपने घर के छतों पर विभिन्न तरह के पापड़ और चिप्स आदि को सुखाने में लग जाते हैं। मध्यवर्गीय परिवार भी इस त्यौहार पर अपने बच्चों के लिए अवश्य ही कपड़े खरीदता है। होली पर सभी बहुत अधिक उत्साहित होते हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। हम उम्र का चेहरा रंगों से ऐसे रंगते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। वहीं बड़ों को गुलाल लगा उनका आशीर्वाद लेते हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सभी आनंद के साथ होली में झूमते नजर आते हैं। झूमने का एक अन्य कारण भांग और ठंडाई भी है। यह होली पर विशेष कर पिया जाता है। घर की महिलाएं सारे पकवान बनाकर जहां दोपहर से होली खेलना प्रारंभ करती हैं, वहीं बच्चे सुबह उठने के साथ ही तहलने यानी उत्साह के साथ मैदान में आ जाते हैं। होली के एक दिन पहले होलिका दहन। होली के एक दिन पहले गांव व शहरों के खुले क्षेत्र में होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। यह भगवान की असीम शक्ति का प्रमाण तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का ज्ञान कराती है। पुराने समय में होली के अवसर पर जहां मंदिरों में कृष्ण और राम के भजन गूंजते थे, वहीं नगरों में लोगों द्वारा ढोलक, मंजीरों के ताल पर लोकगीत गाए जाते थे। पर बदलते समय के साथ इस त्योहार का स्वरूप भी बदलता नजर आ रहा है। कार्यस्थलों तथा विभिन्न संस्थानों पर होली। होली पर सभी संस्थान, संस्था व कार्यस्थल में छुट्टी दी जाती है, पर छुट्टी से पहले स्कूलों में बच्चे तथा कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली की संध्या में मित्रों से मेल मिलाप। दिन भर रंगों से खेलने व नाच गाने के पश्चात सभी संध्या में नए वस्त्र पहनते हैं और अपने पड़ोसी व मित्रों के घरों में उनसे मिलने और होली की शुभकामना देने जाते हैं। होली की हलचल का सभी टीवी चैनलों पर प्रसारण। होली पर सभी टीवी चैनल में होली के गीत, अनेक विशेष कार्यक्रम तथा न्यूज चैनलों के माध्यम से विभिन्न स्थानों की होली प्रसारित की जाती है। बाजारों की रौनक में होली की परंपरागत रीति कहीं खो न जाए। होली पर सभी छोटे बड़े दुकानदार अपने दुकानों के आगे स्टैंड आदि लगाकर विभिन्न प्रकार के चटकीले रंग, गुलाल, पिचकारी व होली के अन्य आकर्षक सामग्री जैसे रंग बिरंगे विंग से अपने स्टॉल को भर देते हैं। राशन तथा कपड़ों की दुकान पर खरीदारी के लिए विशेष भीड़ देखने को मिलती है, पर समय बीतने के साथ ज़्यादातर लोग अब स्वयं से कोई पकवान नहीं बनाते। वे हर प्रकार की मिठाइयाँ
बाजार से ही खरीद लेते हैं। इससे त्योहार की धूम का बाजारीकरण में खो जाने का भय है। निष्कर्ष, होली पर सभी मस्ती में डूबे नजर आते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तथा ठंडाई का सेवन करते हैं, वहीं मनचलों को नशे में धुत होकर अपनी मनमानी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। होली रंगों का त्योहार है, इसे प्रेम पूर्वक खेलना चाहिए। होली आनंद से भरा रंगों का त्योहार है। यह भारत भूमि पर प्राचीन समय से मनाया जाता है। त्योहारों की खास बात यह है कि इसके मस्ती में लोग आपसी वैर तक भूल जाते हैं एवं होली त्योहारों में विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।